दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं फिर से कुछ ऐसे चीजों के प्रोडक्शन के साथ जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके टारगेट को पूरा करिए। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर एक पर है ट्रेन के पहिए। दोस्तों भारत में रेलवे लोगों की जान है, ये यहाँ के लोगों के पैसे कमाने का जरिया है। हर रोज लाखों लोग इन ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, पर जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन के ताकतवर पहिए जो हजारों लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता होगा। इसे बनाने की शुरुआत होती है एक बड़े लोहे के रॉड से। एक ब्लेड के जरिए इन रॉड्स को छोटे हिस्सों में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद अब उन्हें एक मैग्नेट के जरिए मूव किया जाता है। अब इन बड़े बड़े लोहे के रोल्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफी पावरफुल होता है और 20 मिनट में ही 10 से 15 रोल्स को लाल कर देता है। अब उन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। ये क्लॉ मशीन उन्हें उठाकर फिर दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन इस गोल रॉड को और ज्यादा गर्म कर देता है ताकि उसे शेप दिया जा सके। अब उसे वहां से बाहर निकाल कर दूसरे मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन के दो आर्म गर्म रॉड को सही जगह पर लाते हैं। अब एक काफी भारी प्रेस इस गर्म लोहे को प्रेस करता है। दो बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहियों का आकार लेना शुरू कर देता है। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरे मशीन के पास एक क्लॉ मशीन के जरिए ले जाया जाता है। याद रखिएगा, ये एक पहिया 500 से 600 किलो वजनी होता है। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको वेल नोन ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर सौम्य राय के बारे में बताना चाहेंगे। इनकी लाइफस्टाइल काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही में वो KTM RC390 बाइक का प्राइस देने वाले हैं, जिसकी कीमत करीब $3,000 है। आपके पास भी इस बाइक को फ्री में जीतने का मौका है। ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक कर सकते हैं और सौम्य रॉय के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं ये भी बताया जाएगा और आप बाइक भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अगला मशीन इस पर रोलर प्रेस करता है, जिससे ये इस पहिए में ऐसा खाचा बनाए जो रेल पर अटक कर अच्छे से चल पाए। इस सारी प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद उसे दूसरे प्रेसिंग मशीन पर रखा जाता है। यह उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्सों को काट देता है ताकि वहां पर एक्सेल लगाया जा सके। जैसे ही इस पहियों को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही इस मशीन पर पानी मारा जाता है। अब एक सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। अब इन सब को उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे एक फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है। यह मशीन पहियों के एजेस बनाता है और उन्हें चमका देता है। चमकाने के बाद अब उन पर होल गिराए जाते हैं और उन्हें एक्सेल के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास करने के बाद इस पर कलर मारा जाता है। अब इनको सील किया जाता है और सीधा अगले फैक्ट्री में पास किया जाता है। नंबर दो पर है ट्रेन की पटरियां। सबसे पहले पटरियां लोहे से बनाई जाती थी, पर वो पटरियां एक तो जंग लगकर टूट जाती थी या फिर बार बार ट्रेन उस पर से जाने की वजह से साइज में कम हो जाती, इसलिए आखिर में उन्हें स्टील से ही बनाया जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो पटरी बनाने के लिए रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाला जाता है। अब कंटेनर फुल होने पर ट्रक इसे लेकर दूसरे वेयर हाउस में जाता है।
अब एक क्रेन इस कंटेनर को उठाकर एक फर्नेस में डालता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। अब इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक साचे में डाला जाता है। ये साचा उसे लंबे लंबे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। इन ब्लॉक्स को ब्लूम कहा जाता है। अब एक पावरफुल टॉर्च इन्हें 3.5 मीटर में काट देता है। अब क्रेन इन्हें फर्नेस में डालता है, जहां पर इन्हें 5 घंटों के लिए फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। अब इस लाल स्टील को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में ले जाया जाता है। अब जैसे ही ये गर्म स्टील ब्लॉक इस रोलर के अंदर जाता है, वैसे ही वो लंबा होने लगता है। जब ये इसके नीचे से 3 से 4 बार गुजर जाता है, तो वो पहले के साइज से 4 गुना लंबा हो जाता है। अब ब्लेड इन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है। अब इन्हें फिर से गर्म होने के लिए फर्नेस में डाला जाता है। अब गर्म होने के बाद इन्हें दूसरे साचे में डाला जाता है, जो उसे पटरी का आकार दे देता है। इसके लिए उसे साचे के अंदर से 3 बार गुजरना पड़ता है और उसे आकार देने वाले मशीन कुछ इस तरह दिखते हैं। अब इनके एंड्स को काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन्स के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है। यह पटरियों को स्ट्रेट भी करता है और ऐसे ही उनकी टेस्टिंग भी की जाती है। अब ऑर्डर के अनुसार इन रेल्स को और छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब इन्हें एक्चुअल साइट पर लगाने के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह बनाई जाती है रेल की पटरियां। नंबर 3 पर है रेल के डिब्बे या रेल कोच। दोस्तों, बिना डिब्बों के रेल के पटरियां तथा पहियों का क्या काम? जी हाँ, वो डिब्बे होते हैं जिनमें बैठकर लाखों लोग यातायात करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन डिब्बों को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के शीट को एक साथ जोड़ने से। वर्कर इन शीट्स को काफी सटीकता से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। डिब्बे के हर एक साइड को अलग अलग बनाया जाता है। अब सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दिया जाता है। इसके लिए वो बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस खोखले शीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है। अब वही दूसरी तरफ उसके नीचे के इंजन को रेडी किया जाता है। इसके लिए वो एक बड़े लोहे के प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगे होते हैं, उस पर पहले बनाए हुए पहियों को लगाते हैं। हर ट्रेन का सिस्टम अलग होता है, पर जो डिब्बे हम आपको दिखा रहे हैं, उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब उन्हें काफी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक किया जाता है और इन्हीं सारे सिस्टम में एयर ब्रेक को लगाया जाता है। इन्हीं ब्रेक्स के बदौलत ट्रेन हर एक प्लेटफॉर्म पर सही अंतर पर रुक पाती है। अब इस पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद अब इन डिब्बों को इस सिस्टम पर रखा जाता है। अब उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है। इस फर्निशिंग में सारे तरह के काम आ जाते हैं, जैसे कि फ्लोरिंग, पैनलिंग, सीट, होल्डिंग बार्स, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। इन सारे कामों को काफी कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। अब ट्रेन पर लगने से पहले इनकी वेयरहाउस में टेस्टिंग की जाती है और इसी तरह बनाए जाते हैं बेहतरीन रेल के डिब्बे। नंबर 5 पर है सिक्के या कॉइन्स। जिन कॉइन्स की हम आज बात करने जा रहे हैं, उसे कॉपर से बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े कॉपर क्यूब्स को पिघला कर एक साचे में डाला जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है, तो 2 बड़े कॉपर वॉल्स का रूप ले लेता है और सिर्फ इन 2 बड़े क्यूब से ही 20 लाख सिक्के बनाए जा सकते हैं। बाद में इन्हें 5 मीटर के साइज में काट कर इंडक्शन में डाला जाता है। अब 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने के बाद इसे प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जो उसे पतला कर देता है। अब इस बड़े शीट की फाइलिंग की जाती है, जो उसे चमका देता है। अब इस शीट को गोल आकार में रोल किया जाता है। अब 3 अलग अलग शीट को एक के ऊपर एक रखा जाता है। ऊपर की और लास्ट शीट कॉपर से बनी होती है और बीच वाली निकल से।
अब इस कंप्रेस शीट को पंचिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन शीट से सिक्कों को काट कर अलग कर देता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको तीन अलग अलग लेयर नजर आएंगे। अब वही दूसरी तरफ दूसरी मशीन कॉइन के बाहर के हिस्सों को काटती है, जो किसी वाइजर की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें फिर एसिड में डालकर धोया जाता है, जो उन्हें चमका देता है। अब स्टैम्प के जरिए सिक्कों के ऊपर एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट किया जाता है, और इसी बीच वो बाहर के गोल लेयर को भी सिक्कों के साथ ज्वाइन कर देते हैं, और इसी तरह बनाए जाते हैं सिक्के या कॉइन। नंबर 5 पर है चाकू। दोस्तों, हर एक शेफ को पता है कि सही औजारों के बिना वो किसी काम का नहीं है, और चाकू किचन की काफी मेन चीज है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस चाकू को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक बड़े स्टील को एक मशीन में डाला जाता है। अब एक पंचिंग मशीन इस स्टील में से चाकू के आकार के पीसेस को काटता है। अब इन कटे हुए सारे शेप्स को एक फर्नेस में डाला जाता है। ये चाकू यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटों के लिए गर्म होता है, और इसी के कारण स्टील काफी कड़क हो जाता है। गर्मी से निकलने के बाद अब इन्हें फ्रीजर में डाला जाता है, जो उन्हें -50 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटों के लिए ठंडा करता है। अब इन चाकू के पीछे के हिस्सों को स्मूथ किया जाता है। अब एक रोबोटिक आर्म हर एक चाकू को उठाकर ग्राइंडिंग मशीन में डालता है। ये ग्राइंडिंग मशीन ब्लेड को शार्प कर देता है। इस पूरी प्रोसेस में उस पर से पानी गिरता रहता है ताकि चाकू ठंडा रहे। ये रोबोट हर 12 सेकेंड में एक ब्लेड को ग्राइंड करके शार्प करता है। कुछ बड़े बड़े ब्लेड्स, जैसे कि ये चाइनीज शेफ नाइफ के लिए, कारीगरों को इन्हें हाथों से शार्प करना पड़ता है। अब एक लेजर के जरिए इस चाकू पर कंपनी का नाम डाला जाता है। अब एक रिबेट मशीन के जरिए स्टील ब्लेड और हैंडल को जोड़ा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करिए। और जो जो लोग वीडियो के अंत में पहुंचे हैं, वो अगले वीडियो का सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।